हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ रैंकिंग कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिस दौरान फेंग जुइचेन अपना गुस्सा उतारने के लिए युनची को जख्मी कराना चाहता था। इसके लिए उसने कई सारे वॉरियर से बात भी करवा ली थी, लेकिन युनची के सामने वो वॉरियर्स कुछ भी नहीं कर सकते थे और युनची बारी बारी करके उनमें से हर एक वॉरियर को हराता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जहाँ युनची देखते ही देखते पहले तो टॉप 100 में आ गया और बाद में वो टॉप 32 की रैंकिंग तक भी पहुँच गया, जो बात देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि शुरू में इन लोगों को लग रहा था कि युनची सबसे ज्यादा कमजोर है। साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि युनची की मुलाकात यहाँ पर किंग यूए से भी हो चुकी थी और युनची किंग यूए से कहता है कि अगर मैदान में हम दोनों का एक दूसरे से सामना हो जाए तो प्लीज मुझ पर कोई रहम मत दिखाना, जिस पर किंग यूए ने भी हमें सर हिला दिया था। अब आगे आज के इस न्यू एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं एक चैनल को शाउट आउट देना चाहता हूँ, जिसका नाम है बोकास गेमिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे लिए इस चैनल को एक बार जाकर सब्सक्राइब कर लेना। मैं चाहता हूँ कि इस लड़के का 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए और अगर आप लोगों को भी इसी तरह से शाउट आउट चाहिए है, तो आप लोग मेरी हर एक वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दिया करो। मैं इसी तरह से कभी कभी किसी रैंडम पर्सन को चूज करके उसे शाउट आउट दे दिया करूंगा। बोकास गेमिंग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उस भाई को सरप्राइज कर दो। आप चलो हमारी आज की वीडियो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत अब बिल्कुल उसी अरीना के सीन से शुरू होती है, जहां पर ऑडियंस अब पहले से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि अब सिर्फ पीछे 32 डिसाइपल्स ही बचे थे और उन 32 डिसाइपल्स में से भी ज्यादातर 4 मेजर सेक्ट के डिसाइपल्स है, यानी कि वो सबके सब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होंगे। आगे की फाइट्स देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि होस्ट ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो इन 32 वॉरियर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं, जिनमें से पहला तो ग्रुप 1 और दूसरा ग्रुप 2 है। ये लोग आपस में फाइट करते हुए पहले क्वार्टर फाइनल और फिर सेमी फाइनल से फाइनल तक पहुंचेंगे। कुछ लोग इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ग्रुप 2 ग्रुप ए से काफी ज़रा ताकतवर था और इससे ग्रुप 2 के जीतने के चांसेस काफी ज़रा बढ़ गए। दूसरी तरफ युनची को इस बात से ज़रा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मास्टर वुशिंग से कहता है कि चाहे मैं किसी भी ग्रुप में हूँ, जीतना तो मुझे ही है, क्योंकि उसे खुद पर कुछ ज़रा ही एतबार था। दूसरी तरफ फेंग जुबाई और फेंग जुइचेन यहाँ पर युनची की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि इस बार ये लड़का हमारे हाथों में आ जाए, हम इसका वो हाल करेंगे जो कि ये अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। फेंग जुइचेन असल में ये सब कुछ जेलसी की वजह से कह रहा था। दूसरी तरफ फोर्स भी यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि अब मैं 2 वॉरियर्स को यहाँ मैदान में बैटल करवाने के लिए बुलाने वाला हूँ, जो कि लॉटरी की मदद से डिसाइड होगा। सब लोग इस लॉटरी की तरफ गौर से देख रहे थे, तभी युनबा चिल्लाते हुए कहता है कि बिग ब्रदर, पहली फाइट में तुम्हारी फाइट होने वाली है ज़ियाओनन से, जो कि एक लेवल 6 स्पिरिचुअल मिस्टिक स्टेज का वॉरियर है, और चूंकि बिग ब्रदर तुमने ऑलरेडी इस लेवल के वॉरियर्स को काफी ज्यादा बार हरा दिया है, तो इसलिए ज़ियाओनन को भी हराना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, जो सब कहते हुए युनबा खुश हो रहा था। युनची को तो वैसे ही खुद पर कुछ ज़रा ही कॉन्फिडेंट है। तभी अचानक यहाँ पर एल्डर वुशिंग युनची से कहते हैं कि तुम बाकी के डिसाइपल्स को इन 4 मेजर सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन वॉरियर्स के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं और इनकी कल्टीवेशन काफी ज़रा स्ट्रॉन्ग है। अगर युनची तुम्हें लगे कि तुम ज़ियाओनन को नहीं हरा सकते तो हार मान लेना, खुद को ज़रा फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर प्रिंसेस यूवी भी युनची से यही सब कह रही थी, युनची मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई भी ख्वाब नहीं है, तो अगर तुम्हारी जान खतरे में आ जाए मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जो सब कहने के बाद युनची यहाँ फाइट करने के लिए अरीना की तरफ रवाना हो जाता है। इन दोनों के अरीना में आने के बाद वहाँ पर कुछ मास्टर चारों तरफ अरीना के आसपास शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, ताकि बाकी नॉर्मल लोगों को इसका नुकसान ना झेलने को मिले। दूसरी तरफ लोगों की राय अब 2 तरह से बढ़ चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि युनची अब यहाँ पर जरूर हारेगा, क्योंकि अब उसका सामना पावरफुल लोगों से होने वाला है, जबकि कुछ लोग तो युनची से थोड़ा ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुके थे, इसलिए अब उन लोगों को युनची पर काफी ज्यादा बार था और वो लोग इस मैच को काफी ज़रा एक्साइटिंग वे में देख रहे थे। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओनन ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताया कि मैं ज़ियाओ ट्राइब से हूँ और मेरा नाम है ज़ियाओनन। जो सुनकर युनची भी काफी ज़रा कूल तरीके से अपनी सोर्ड को निकालते हुए कहता है कि मेरा नाम है युनची और मैं चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस का एक डिसाइपल हूँ। यहाँ इंट्रोडक्शन होने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले ज़ियाओनन ने अपनी एनर्जी अनलीश करना शुरू कर दी थी। उसकी पावर देखकर युनबा हैरान होते हुए कहता है कि ये पावर बहुत ही ज़रा टेरिफाइंग है। जो सब देखकर एल्डर वुशिंग भी कह रहे थे कि अब तुम लोगों को मालूम हो गया ना, इन 4 मेजर सेट के पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स है जो कि इन्हें सबसे ज्यादा खास बना देती है। यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि ज़ियाओनन ने अपनी टेरिफाइंग मिस्टिक पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा सोर टेक्निक से फौरन युनची पर हमला कर दिया, जिस खतरनाक टेक्निक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर युनची बिल्कुल भी घबराता नहीं, इवन की प्रिंसेस यूवी तो युनची के लिए परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ युनची कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह पर ही खड़ा था, वो अपनी फ्लेम को पूरी बॉडी के अंदर फैला लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पर फौरन से एक फ्लेम टोर्नेडो क्रिएट कर दिया, जो कि युनची के लिए एक शील्ड की तरह काम कर रहा था और उसने ज़ियाओनन
सामरन के इस मिस्टिक अटैक को काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया। ये देखकर तो जावियान को भी अपने आंखों पर यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ यूंची ने इसी मौके का फायदा उठाकर फौरन अपनी हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जावियान पर हमला कर दिया, जिसे डॉच करते हुए जावियान फौरन हवा में जंप करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। ये देखकर तो जाव ट्राइब के मास्टर सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि इस लड़के ने जावियान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लगता है कि हमने इस लड़के को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, हमें इसे थोड़ा और ज्यादा सावधानी के साथ लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें हरा दे। दूसरी तरफ जावियान भी अब यूंची को सीरियस लेने लगा था, इसलिए वो अपनी मिस्टिक एनर्जी को इकट्ठा करते हुए यहाँ पर फियर्स ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यूंची की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका। यूंची इस खतरनाक टेक्निक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भी बिल्कुल अपनी जगह से मूव नहीं करता, वो बिल्कुल शांति के साथ खड़ा था, जो देखकर यूंची के दोस्तों परेशान हो गए। जबकि जाव ट्राइब का लीडर हंसते हुए कह रहा था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा समझदार है, ये जानता था कि ये फियर्स ईगल टेक्निक से खुद को नहीं बचा सकता, इसलिए उसने पूरी तरीके से रेजिस्टेंट बन करके हार मान ली। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियान की सोर तेजी के साथ जाते हुए सीधा यूंची के सीने में जाकर लगी। ये देखकर यूंची मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो सोर यूंची के सीने को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। ये देखकर तो जावियान भी हैरान हो गया, साथ ही यूंची ने अपनी सोर स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जावियान को पीछे हटा दिया। बाकी के सब लोग तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। जावियान अपने मन में कह रहा था की आखिर ये पॉसिबल कैसे है, मेरे पास जो सोर है वो एक अल्केमिस्टिक स्टेज की है, आखिर मेरे सोर ने इस लड़की की बॉडी को पेनिट्रेट क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूंची की बॉडी में अचानक से यहाँ पर जैस्मिन की आवाज आती है, जो कि यूंची से कह रही थी कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो चुके हो, मैं कुछ दिनों के लिए डीप स्लीप में क्या चली गई, तुमने अपनी जान को दाव पर लगाना शुरू कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उस ड्रैगन गॉड के ट्रायल के दौरान अपने ग्रेट बुद्धा डाउ टेक्निक के सेकंड लेवल को अनलॉक कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अब तक तुम जान से मारे जा चुके होते। यूंची तो यहाँ पर जैस्मिन की आवाज सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर तुम डीप स्लीप से जाग गई, जिस पर जैस्मिन जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ तुम इतना ज्यादा शोर कर रहे थे, आखिर मैं जागती कैसे ना। जो सुनकर यूंची भी मुस्कुराते हुए जवाब देकर बोलते हुए कहता है कि ठीक है मैं जल्दी इस फाइट को खत्म कर दूंगा ताकि तुम दोबारा से जाकर आराम कर सको। ये कहने के बाद यूंची हंसते हुए यहाँ पर जावियान की तरफ देखते हुए कहता है कि अब वक्त आ गया कि मैं अपने हैवी रूलर की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मास्टर को थोड़ी सी अपनी पावर दिखाऊं। जो कहने के बाद यूंची ने अपनी न्यू सीखी हुई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हैवी रूलर को व्हील करना शुरू कर दिया था, और वो यहाँ काफी तेजी के साथ लगातार जावियान पर अटैक्स करते जाता है। जावियान तो सरप्राइज होते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये लड़का है क्या, जो कि अपनी हैवी रूलर को इतनी अजीब तरीके से मूव कर रहा है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहते हुए जावियान थोड़ा सा पीछे हट गया और वो अपने मन में कहता है कि मेरे पास सिर्फ लास्ट टेक्निक बची है जिस पर ही मेरी हार जीत डिपेंड होगी। ये सब कहने के बाद वो फौरन हवा में जंप कर चुका, जहाँ पर जावियान अपने हेवनली हॉक इन्फिनाइट सोर टेक्निक को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। उसके दोस्त भी समझ गए थे कि वो अपने ट्रम्प कार्ड को चलने वाला है। सब लोग यहाँ पर उसकी इस अटैक का इफेक्ट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले थे। दूसरी तरफ यूंची भी अपने मन में कह रहा था कि चलो देखते हैं कि क्या मैं तुम्हारी इस अटैक को पेनिट्रेट कर सकता हूँ या नहीं। जो कहते हुए यूंची ने अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जावियान के स्ट्रम कार्ड अटैक को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था, जिसके शुरू में तो यूंची को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इसके साथ आदि हो गया। वहाँ पर चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फ्लैक्चुएट कर रही थी, और थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि यूंची ने यहाँ पर जावियान के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे हटा दिया। ये देखकर जावियान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूंची ने इसी के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने हैवी रूलर को भी यहाँ जावियान की गर्दन पर रख दिया था, जिसकी वजह से जावियान यूंची से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होंगे, जिस पर यूंची रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में मालूम था कि तुम इतनी ही ताकतवर हो। यहाँ पर जावियान ने अब हार मान ली थी, जिसकी वजह से यूंची अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया है। बाकी सब लोगों को ये सब देखकर बिल्कुल भी बात हजम नहीं हो रही, वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या वक्त आ गया, अब जाव ट्राइब एक मामूली से लड़के से हार चुका है। जबकि साथी वहाँ पर मौजूद वो लड़की कहती है कि ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये एक मॉन्स्टर है, जिसके पावर्स को हम लोग नॉर्मल रैंकिंग हिसाब से नहीं मेजर कर सकते। उन लोगों की ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद मूट यान भाई भी सुन रहा था। इसके बाद हम लोगों को यहाँ शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चलते हुए प्रिंसेस यूवी यूंची से कहती है कि यूंची तुम्हारे जख्म कैसे है, क्या तुम ठीक हो, जिस पर यूंची भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि वो तो बस छोटे मोटे घाव थे और वैसे भी तुम्हारा दिया हुआ मैजिकल मेडिसिन है ना मेरे पास, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ एल्डर वुशांग यहाँ पर यूंची से कहते हैं कि तुमने आज के दिन काफी अच्छी फाइट की, इसी हिसाब से अगर तुम आगे की तरफ चलते रहे तो तुम्हारी नेक्स्ट फाइट मू जियांगगुआन से होने वाली है, जिसके बारे में यूनबा यूंची से कहता है कि वैसे मू जियांगगुआन काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें उसके साथ फाइट करते हुए काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। यूंची उसे ज्यादा सीरियस न लेते हुए जवाब देकर बोलता है कि आखिर जियांगगुआन में ऐसा भी क्या खास है, जिस पर मास्टर वुशांग जवाब देते हुए बोलते हैं कि जियांगगुआन हेवनली स्पेयर थंडर सेक्ट से बिलोंग करता है, जिन लोगों की स्पेशल एबिलिटी उन लोगों का थंडर फायर है, वो लोग लगातार इस थंडर फायर को मिस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। तुम्हें ये बात
तो मालूम होगी कि इस वक्त टोटल 4 मेजर सेक्ट्स हैं, लेकिन उन लोगों के बाद अगर कोई भी 5th मेजर सेक्ट बना तो वो यकीनन हेवली स्पेयर थंडर सेक्ट ही होगा, क्योंकि वो लोग भी काफी जरा खतरनाक है। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक इन लोगों को अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है जो की असल में कोई और नहीं बल्कि हेवली स्पेयर थंडर सेक्ट का लीडर टियान बाई था। वो यहाँ पर स्पेशली यूनची से बात करने के लिए आया हुआ था, जो सुनकर यूनची उससे कहता है कि बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी थी। जो सुनकर टियान भाई हंसते हुए कहता है कि वहाँ कंपटीशन के दौरान मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा, तुम वाकई में कमाल के हो, लेकिन मुझे लगता है कि चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस में तुम्हारा टैलेंट जाया हो रहा है, इसलिए क्यों ना तुम मेरे हेवनली स्पीयर थंडर सेट को ज्वाइन कर लो। जो सुनकर एल्डर वुशेंग को तो गुस्सा आता है, लेकिन यूनची उन्हें समझाते हुए आगे की तरफ आकर यहाँ पर मास्टर टियान भाई से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस को ज्वाइन कर लिया है और मैं चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें नहीं छोड़ने वाला, आपकी सच्चाई को मैं याद रखूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपकी इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मुझे टियान भाई यूनची से कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि चेंगफेंग मिस्टिक एकेडमी कितनी ज़रा कमजोर है, वो तो रॉयल फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगी। जो सुनकर प्रिंसेस यूवी आगे की तरफ आते हुए यहाँ पर टियान भाई से कहती है कि प्लीज आप रॉयल फैमिली के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते, और वैसे भी चेंगफेंग मिस्टिक एकेडमी अपनी डिसाइपल्स को पूरी तरीके से आजादी देती है, वो लोग जो करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ प्रिंसेस यूवी को बातें करते हुए देखकर टियान भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें हमारे बीच बात नहीं करनी चाहिए, तुम पता नहीं खुद को समझती क्या हो, तुम तो रॉयल फैमिली को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, तुम बस एक मामूली सी लड़की हो जो कि शादी करने के लिए बनी हुई है, एक दिन तुम्हारी फैमिली तुम्हें टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए किसी सेट के साथ तुम्हारी शादी करवा देगी ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग करवा सके। यहाँ यूनची उसकी ये सारी बातें सुनकर अब बड़ा गया, क्योंकि कोई उसकी लवर के साथ इस तरह से बातें नहीं कर सकता, इसीलिए यूनची अपने एटीट्यूड वाले रूप में आते हुए आगे की तरफ बढ़कर टियान भाई से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें मना कर दिया, और अगर तुम्हें मेरी बात पहले से समझ नहीं आ रही तो मैं तुम्हें दोबारा से समझाता हूँ कि मैं किसी ऐसे बेकार से सेट को ज्वाइन नहीं करने वाला जिसके लीडर के पास लोगों से बात करने की तमीज नहीं, अगर तुम मेरे सामने नाक भी लगड़ो और अपने घुटनों पर बैठकर भीख भी मांगो तब भी मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन नहीं करने वाला, तो यहाँ से दफा हो जाओ। यूनची की मुझसे ये सारी बातें सुनकर टियान भाई को तो गुस्सा आ गया, इसलिए वो कहता है कि ठीक है इसका मतलब तुमने अपना फैसला कर लिया, मुझे भी अपना फैसला कर लेना चाहिए। जो कहते साथी अचानक उसने अपनी फ्लेम एक्टिवेट कर ली, ऐसा करते हुए देखकर एल्डर वुशेंग यहाँ पर यूनची को फौरन पीछे की तरफ हटाते हुए अपनी भी मिस्टिक एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं, साथ ही साथ वो यूनची से कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि टियान भाई की ये थंडर फायर काफी जरा खतरनाक है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा, तुम लोगों के पास यहाँ से भागने का थोड़ा सही वक्त होगा। दूसरी तरफ हम टियान भाई को देखते हैं जो कि अपनी थंडर फायर की पावर को अनलीश करता जा रहा था, लेकिन अचानक ही वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया, जो देखकर तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन पीछे की तरफ से हम लिटिल फेरी को गुजरते हुए देखते हैं, टियान भाई भी अपनी पावर को खोता हुआ देखकर होश में आते हुए कहता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, जो कहने के बाद वो वहां से भागकर चला गया। यूनची के दोस्त हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर उसे ये अचानक से हो क्या गया था, जबकि यूनची अपने मन में जानता था कि ये सब कुछ लिटिल फेरी ने ही किया है, वो बेशक यूनची के सामने आकर उसे बात नहीं करना चाहती लेकिन दिल ही दिल में उसे यूनची की परवाह है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनची की फाइट टियान भाई के बेटे ज़ियाओ गुआन से होने वाली थी। ज़ियाओ गुआन यहाँ पर गुस्सा होते हुए यूनची से कह रहा था कि मुझे मालूम है कि कल तुमने मेरे फादर और मेरे क्लैन की काफी जरा बेइज्जती की है, तो आज तुम्हें उसका हिसाब चुकाना होगा, मैं तुम्हें अपने थंडर फायर की मदद से जलाकर राख कर दूंगा, तुम्हें आज बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। दूसरी तरफ यूनची मुस्कुराते हुए अपने मन में याद कर रहा था कि कल रात को एल्डर वुशेंग ने यूनची को कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि हेवनली स्पीयर थंडर सेक्ट वाले लोग अपने पास कुछ हिडन वेपन्स रखते हैं जो कि थंडर फायर से बने होते हैं, इसकी वजह से उन लोगों का डिफेंस और अटैक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यूनची उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। जो सब कहने के बाद यूनची यहाँ प्रेजेंट में अपने सोर्ड को उठाते हुए ज़ियाओ गुआन से कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन से हिडन वेपन्स है। ये कहते हुए यूनची ने अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओ गुआन पर हमला करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ वो शेडो डांसिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से यूनची की रफ्तार काफी जरा तेज थी और वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए लगातार यहाँ ज़ियाओ गुआन पर हमले करता जा रहा था। ज़ियाओ गुआन बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, जबकि दूसरी तरफ यूनची अपने मन में कह रहा था कि मुझे हिडन वेपन्स का रिस्क खत्म करने के लिए जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना होगा, जिसके लिए मुझे इसी तरह तेजी से मूव करना है। ज़ियाओ गुआन भी अब तक मार खा खा कर थक चुका, इसलिए वो भी गुस्से के साथ अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते वहां पर कुछ थंडर फायर बॉम्ब्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने यूनची पर अटैक्स कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ यूनची शेडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी रफ्तार को बढ़ाकर आसानी के साथ उस ब्लास्ट रेंज से निकल रहा था। काफी आसानी के साथ सारे अटैक्स डॉच करने के बाद यूनची फोन से हवा में आ जाता है, जो देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर यूनची ये किस तरह की खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। एक लम्हे वो एक जगह पर था और दूसरे लम्हे वो किसी और जगह पर, ऐसा लगता है जैसे कि वो कहीं पर मौजूद ही ना हो, ये सब के सब एक इल्यूजन हो। दूसरी तरफ हवा में
बावजूद युनची यहाँ पर ज़ियाओगुआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा ये मामूली सा स्पेयर बस यही सब कर सकता है। जो सब सुनकर तो ज़ियाओगुआन गुस्सा होते एक बार फिर से थंडर फायर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए युनची पर हमला करना चाहता था, लेकिन युनची ने अपने फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ उस अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर दिया। साथ ही वो ज़ियाओगुआन से कहता है कि अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें रियल फ्लेम की ताकत दिखाऊं। जो कहने के बाद युनची अपने फिनिक्स डांस टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने ज़ियाओगुआन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना ज़रा खतरनाक था कि ज़ियाओगुआन उड़ता हुआ सीधा जाकर बाहर की शील्ड से टकराता है, और युनची की इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि ज़ियाओगुआन ने जो अपनी बॉडी के अंदर हिडन वेपन छुपा कर रखे हुए थे उन्होंने भी ब्लास्ट करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से ज़ियाओगुआन को लगातार ब्लास्ट की वजह से अपनी ही चोट लगती जा रही थी। युनची तो जमीन पर आकर यह सब देख रहा था, जबकि बाहर मौजूद लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये ज़ियाओगुआन को हो क्या रहा है। बस मौजूद एक लड़की जवाब देते हुए बोलती है कि ज़ियाओगुआन के बॉडी के अंदर मौजूद कुछ हिडन वेपन्स थे जो कि एक्टिवेट हो गए। यानवर यहाँ पर अपने बेटे को इस कंडीशन में देखकर काफी जरा गुस्से में आ गया, लेकिन अभी के लिए उसे अपनी बेटी की जान बचानी थी, इसलिए वो अपने बेटे को उठाकर वहाँ से ट्रीटमेंट के लिए ले गया। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि इस राउंड का विनर है युनची। ये सुनकर युनची के दोस्तों काफी जरा खुश हो गए, क्योंकि युनची क्वार्टर फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई हो चुका है। मास्टर युफेंग यहाँ पर युनची की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि जब जब मुझे लगता है कि ये लड़का अपनी लिमिट पर पहुंच गया तभी ये मुझे सरप्राइज कर देता है। इसने मुझे इतना ज्यादा सरप्राइज कर दिया है कि अब तो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हमारे टियानजान मेनोर में भी कोई ऐसा टैलेंटेड इंसान मौजूद है। दूसरी तरफ स्काई बर्निंग सेट का फेंग जुबाई अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए युनची की तरफ देखकर कह रहा था कि इस लड़के ने एक मामूली सी फ्लेम को क्या रिफाइन कर लिया, सब लोग इससे घबराना शुरू हो गए। एक बार मेरी इसके साथ फाइट होने दो, फिर मैं इसे दिखाता हूँ कि असली फ्लेम क्या होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होस्ट ने मैचेस को कंटिन्यू रखने के लिए आगे दो वॉरियर्स को अरीना में बुला लिया था, और इसी तरह करते करते एक बार फिर से शाम हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर वुशेंग को यहाँ पर एम्परर का खत मिल चुका था, और वो युनची की तरफ आते हुए युनची से कहते हैं कि मुबारक हो युनची, तुमने कर दिखाया, तुम रैंकिंग कॉम्पिटिशन के टॉप 8 में सिलेक्ट हो चुके हो, एम्परर तुम्हारे काफी जरा शुक्र गुजार है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस यूवी को भी देखते हैं जो की युनची का इन सब चीजों के लिए काफी जरा शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि युनची यहाँ पर रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही एल्डर वुशेंग यहाँ पर युनची को कहता है कि चूंकि तुम टॉप 8 में सिलेक्ट हो चुके हो इसलिए तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम सीक्रेट रियल्म ऑफ टियानची जा सको, लेकिन साथ ही एक बुरी खबर भी है, और वो ये है कि सारे के सारे मेजर सेट की नजर में तुम आ चुके हो इसलिए तुम्हारी जान काफी जरा खतरे में होगी। जैसे टियानबाई ने पर्सनली आकर तुम पर हमला करने की कोशिश की ऐसे बाकी के लोग भी कर सकते हैं। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, अगर मेरे खिलाफ किसी ने भी यूं कदम उठाने की कोशिश करी तो मैं उसके आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत तोड़ूंगा। ये सब वो काफी जरा एटीट्यूड के साथ कह रहा था, जो सुनकर एल्डर वुशेंग जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस तरह की बातें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अगली फाइट जो होने वाली है वो है फेंग जुबाई के साथ। युनची फेंग जुबाई का नाम सुनकर प्रिंसेस जीवी से सवाल करते हुए पूछता है कि ये तो फेंग जुई चैन का भाई है ना, जिस पर एल्डर वुशेंग ने कहा कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, फेंग जुबाई जो कि यहाँ पर प्रिंसेस जीवी से शादी करना चाहता था लेकिन तुमने उसका ये ख्वाब तोड़ दिया है, साथ ही साथ तुमने उसके भाई को भी पीटा था, इसलिए मुझे लगता है कि फेंग जुबाई कल के फाइट के दौरान तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। यहाँ उनकी इन बातों के बाद हमें नेक्स्ट डे यहाँ कॉम्पिटिशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर युनची फेंग जुबाई के बिल्कुल सामने खड़ा था। कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अगर इस कंपटीशन को फेंग जुबाई हार गया तो स्काई बर्निंग सेट तो इस बार फोर्थ रैंकिंग से भी नीचे चला जाएगा, लेकिन साथ ही उन्हें लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि युनची स्काई बर्निंग सेट के कोर डिसाइपल को हरा पाए, फेंग जुबाई जिसके फादर का नाम फेंग डुआन हुन है, ये लोग काफी जाने माने कल्टिवेटर है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये मामूली सा लड़का इन लोगों को हरा पाए। फेंग जुबाई को भी यहाँ पर अरीना में बिल्कुल ऐसा ही लगता था, इसलिए वो युनची की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे सामने एक लूजर खड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी अच्छी किस्मत है या फिर तुम्हारी बुरी किस्मत। अच्छी किस्मत इसलिए कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए और बुरी किस्मत ये कि तुम मेरे सामने खड़े हो। ये कहते हुए वो अपनी जीप पर जबान फेरते हुए कहता है कि तुम्हें मारने में तो काफी मजा आएगा। युनची उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि तुम्हारी बातों की तरह तुम्हारी शक्ल भी बहुत ही गंदी है। जो सुनकर तो फेंग जुबाई को गुस्सा आ गया और वो अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए डीमन फ्लेम ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे युनची पर हमला कर चुका, जिसे युनची ने अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था, और इस ब्लास्ट के इफेक्ट की वजह से हम देखते हैं कि ये दोनों वॉरियर ही पीछे की तरफ जा घसीटे। फेंग जुबाई यहाँ पर युनची से कहता है कि तुमने वाकई में मुझे सरप्राइज कर दिया क्योंकि तुम मेरे एक अटैक को झेल चुके हो, लेकिन ये बात तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली कि तुम यहाँ पर हारोगे। जो कहते साथ ही अचानक से फेंग जुबाई ने हवा में जम करते हुए अपने डीमन पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया, और वो युनची से कहता है कि मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम मेरी फ्लेम में जलो और दर्द से चिल्लाओ। ये कहते हुए फेंग जुबाई ने अपने डीमन पर्पल फ्लेम्स के कई सारे स्लैश अटैक्स युनची पर करना शुरू कर दिए, जिन्हें युनची अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डॉच कर रहा था। सारी ही ऑडियंस इस फाइट को काफी जरा गौर से देख रही थी, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि फेंग जुबाई ने वहां चारों तरफ कई सारे अपने क्लोन्स बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि युनची को
वह हर तरफ से घेर चुके थे, लेकिन यूंची को इनकी जरा परवाह नहीं थी। वो अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके उनमें से एक एक क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो सब क्लोन्स भी एक साथ मिलकर यूंची पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से यूंची को थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। ये देखकर यूंची के दोस्तों काफी जरा परेशान हो जाते हैं कि कहीं यूंची की यहाँ पर जान ना चली जाए, जबकि दूसरी तरफ स्काई बर्निंग सेट्स के एल्डर्स काफी जरा खुश हो रहे थे। वो लोग अपने फेंग जुबाई पर प्राउड महसूस करते हुए कहते हैं कि फेंग जुबाई पहले से काफी जरा ताकतवर हो गया, ये लड़का उसके सामने नहीं टिक सकता। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि थोड़ी देर में इन लोगों की ये खुशी गम में बदलने वाली है। जबकि दूसरी तरफ अरीना के अंदर हम देखते हैं कि फेंग जुबाई यूंची से कह रहा था कि तुम्हारे साथ इस तरह स्लो स्लो फाइट करते हुए मैं बोर हो चुका हूँ, क्यों ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए इस फाइट को मैं जल्दी खत्म करूँ। ये कहते साथ ही उसने अपने सारे क्लोन्स को एक बार फिर से इनहेल कर लिया और वो इनकी एनर्जी का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक डिवाइन सोर्स क्रिएट कर चुका था, जिसका इस्तेमाल करते वो यहाँ यूंची पर हमला कर देता है। साथ ही वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारा शिकार करने में मजा आ रहा है। यूंची उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डेविल बोर्ड के फर्स्ट सीट को एक्टिवेट कर चुका था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर फ्लेम आ गई थी और वो यहाँ पर अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन सोर्ड को ब्लॉक कर चुका। साथ ही वो धीरे धीरे से फेंग जुबाई की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस शिकार और शिकारी के खेल में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन तुमने एक गलती कर दी क्योंकि यहाँ पर शिकार मैं नहीं बल्कि तुम हो। जो कहते हुए यूंची यहाँ पर तेजी से स्लाइड करते हुए फेंग जुबाई के काफी जरा करीब आ चुका और वो अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते उसे हिट करके पीछे पटक देता है। ये देखकर फेंग जुबाई का फादर तो बहुत ही जरा हैरान हो गया। दूसरी तरफ फेंग जुबाई भी अपनी इस हार को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। शायद ये सब कुछ इसी वजह से हुआ क्योंकि अभी तक मैं डीमन पर्पल फ्लेम को पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाया, मुझे तुम जैसा लूजर नहीं हरा सकता। जो कहने के बाद उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। वो यूंची की तरफ अपने सोर्ड को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि अब वक्त आ गया, मैं तुम्हें अपने स्काई बर्निंग सेट के ड्रैगन फ्लेम से मिलवाने वाला हूँ। ये कहते हुए फेंग जुबाई अपने सीने पर हिट करते हुए अपने मुंह से कुछ खून निकालकर यहाँ अपनी सोर्ड पर फैलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अचानक ही फेंग जुबाई की बॉडी के अंदर से बहुत ही जरा फ्लेम एनर्जी निकलते हुए ऊपर की शील्ड से टकरा रही थी, जो देखकर स्काई बर्निंग सेट के लोग समझ गए थे कि फेंग जुबाई एक फॉरबिडन स्किल ड्रैगन फ्लेम को इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा क्योंकि ये फॉरबिडन टेक्निक उसकी भी जान ले सकती है। जो सुनकर फेंग जुबाई का फादर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, हम उसे ऐसा करने से नहीं रोकेंगे क्योंकि ये उसी का फैसला है और वैसे भी वो उस लड़के के सामने नहीं हार सकता है, हारने से अच्छा है कि उसकी मौत ही हो जाए। फेंग जुई चेन भी यहाँ पर अपने फादर के साथ एग्री था। वो जवाब देते हुए कहता है कि हमें बड़े दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ टियानजी एंड मेनोर के मास्टर फेंग बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं थे। वो जानते थे कि ये अटैक बहुत ही जरा खतरनाक है, इससे यूंची या फिर उसकी जान चली जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर होस्ट को इशारा करते हुए कह रहे थे कि जल्दी से जाकर फेंग जुबाई को रोको, पर तब तक काफी जरा देर हो चुकी थी क्योंकि हम देखते हैं कि फेंग जुबाई अपने ड्रैगन डीमन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फौरन यहाँ यूंची पर हमला कर चुका। इस खतरनाक अटैक को भी अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूंची घबराता नहीं बल्कि वो काफी जरा कॉन्फिडेंट होते हुए अपनी जगह पर खड़ा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।